आर्यन खान प्रकरण में समीर वानखेड़े दलित समाज का हैकर की नामदार नवाब मलिक पे आरोप कर केंद्र सरकार के माध्यम से गुजरात बंदरगाह अदानी पोर्ट से पकड़ी गई 3000 किलोग्राम ड्रग्स के मुख्य आरोपी को बचाने के लिए 6 ग्राम के कोकीन नया ड्रामा शुरू हुआ, जिसमें एसीबी के महाराष्ट्र जोनल डायरेक्टर द्वारा क्रूज पार्टी पर हजारों लोग उपस्थिति में सिर्फ 11 लोग पकड़े गए। उसमें भी 5 लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। छोड़े हुए लोगों के आज तक नाम गुप्त रखे गए। शाहरुख खान का बेटा और अरबाज मर्चेंट इनके नाम से पूरे देश में प्रचार करके हिंदू मुस्लिम द्वेष बढ़ाने का षड्यंत्र केंद्र की सरकार देवेंद्र फडणवीस के माध्यम से कर रही है, और इसमें समीर वानखेड़े प्रकरण के माध्यम से राज्य में दलित मुस्लिम द्वेष फैलाने की साजिश है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने समीर वानखेड़े को दलित बताया है, जबकि समीर के पिता का नाम दाऊद है और माता का नाम जाहिदा बेगम है, इसलिए समीर ये जन्मजात मुस्लिम है। उसके बाद देश के मुद्दे को भटकाने के लिए और अदानी ड्रग्स प्रकरण को दबाने के लिए वानखेड़े आर्यन प्रकरण दलित मुस्लिम मोड़ पे लाया गया है। इस प्रकार का आरोप हिंगनघाट पत्रकार संघ के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद रफीक इन्होंने लगाया है। जो ज्वलंत मुद्दा चल रहा है समीर वानखेड़े वर्सेस सरकार, तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि समीर दाऊद वानखेड़े, अगर समीर वानखेड़े के पिता का नाम दाऊद है और माता का नाम तस्लीमा है, तो समीर वानखेड़े दलित समाज से कैसे? सिंपल सवाल है। अभी जो जितना भी ट्रेड टीवी पे चल रहा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने एबीपी माझा पे सुने कि समीर वानखेड़े दलित समाज से होने के कारण उनका विरोध हो रहा है, उनकी तरक्की से लोग जल रहे हैं, ये सरासर झूठ है। समीर वानखेड़े के पिता का नाम अगर गुलाम राव होता, चंपत राव होता, संपत राव होता तो समझ में आता। समीर की लिविंग में, टीसी में, स्कूल के हर डॉक्यूमेंट्स में नाम है समीर दाऊद वानखेड़े। बीसीएन न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि यनोरकर की रिपोर्ट।